पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के कायराना हमले में बीएसएफ जवान के शहीद होने और शव के साथ बर्बरता करने के मामले पर भारत सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक भारतीय सैनिक पर हमला करने से एक दिन पहले ही इलाके में पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भी देखा गया था। वहीं शातिर पाकिस्तान के रेंजर्स अब भी इस घटना को मानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने बीएसएफ को इस बात के लिए अलर्ट भी किया था कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान रेंजर्स की ड्रेस में कुछ संदिग्ध मूवमेंट हो रहा है। दोनों देशों के एसओपी के मुताबिक बीएसएफ ने सरकंडा काटने से पहले उस इलाके के पाक रेंजर कमांडर को सूचना भी दी थी ताकि कोई वहां से गलतफहमी में गोली न चला दे। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिक का हथियार अभी तक नहीं मिला है। बता दें कि पाकिस्तान की बैट टीम ने बीएसएफ के जवान की हत्या कर उसके शव के साथ बर्बरता की है। शहीद जवान का पार्थिव शव जब उनके गांव पहुंचा तो लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ दिखा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान को विदाई दी गई। आपको बता दें कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से मंगलवार को बीएसएफ से गायब हुए सैनिक नरेंद्र कुमार का शव मिला था। इस मामले में बीएसएफ के सूत्रों ने कई खुलासे भी किए हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के कायर जवानों ने जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में जाबाज नरेंद्र कुमार को न सिर्फ बेरहमी से मारा बल्कि उनके शव के साथ भी काफी बर्बरता की है।